को याद होगा कि पिछली बार हमने यही अपना जो घर बनाया था तोड़ के, मतलब वो जो पुराने वाला घर था उसको तोड़ के उसकी जगह पे ये हमने $3,500 का एक नया घर बनाया था। वैसे देखो घर ना पिछली बार से छोटा घर है, लेकिन इसकी सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है इसका किचन। इसका किचन काफ़ी बढ़िया है। और आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने जितना भी सामान था वो सारा का सारा अपने किचन में ला के सेट कर दिया था। और ये है अपना छोटा सा स्टोर रूम। वैसे ना इसमें हम चीज़ काफ़ी सारे रख सकते हैं, क्योंकि चीज़ रखने के लिए काफ़ी सारी स्पेस है यहाँ पे। और जो जलेबी और लड्डू ना उनके लिए थोड़ी कम स्पेस है, मतलब एक जो एक स्पेस थी ना वो यहाँ पे कम है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको हम मैनेज कर लेंगे। और फिलहाल अपना रेडियो में, अच्छा मैंने बंद कर रखा था पहले, नहीं पहले ऑन था, मैंने गलती से बंद कर दिया। अब देखो मुझे ना इसका साउंड आने रहा था, तो मैंने सोचा भाई इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले ये जो आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने ये वाले बड़े बड़े चिकन कूप्स बनाए थे, और अंडे इसमें थोड़े बहुत हैं, और इसमें भी भाई दो अंडे इसमें हैं, और इस साइड भी यहाँ पे दो जगह और होती है। और इसमें कितने अंडे हैं, इसमें भी ठीक ठाक हैं और इसमें भी ठीक ठाक है। चलो इस वाले चिकन कूप में तो काफ़ी सारे अंडे पड़े हैं। अब इस वाले में देखूँ मैं, इसमें एक भी अंडा नहीं। ओ भाई इसमें एक ही अंडा, ये क्या है, मतलब इसमें एक भी अंडा नहीं और उसमें एक ही अंडा। एक बार मैं पीछे भी जाके देखूं, क्या पता सारे के सारे अंडे इसमें हो, इसमें भी नहीं। अच्छा थोड़े बहुत अंडे इसमें तो हैं, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें मुर्गियाँ कम है क्या, एक बार मैं अंदर जाके देखूँ। वैसे ना मैंने मुर्गियाँ शायद से दो दो तीन तीन तो रखी थी, नहीं यहाँ पे एक दो मुर्गी तो है, मुर्गियाँ तो हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने रोस्टर नहीं रखा। अब यार मैंने पिछली बार तो एक शायद इसमें ना मैंने एक रोस्टर रखा था, और इस वाले में दो रोस्टर रखा था शायद से। मैंने भाई तीनों के तीनों रोस्टर मैंने इसी में रख दिया। अब देखो हाँ भाई तीनों के तीनों रोस्टर मैंने इसी में रख रखे हैं। जल्दी से एक को मैं बाहर निकाल के ले चलता हूँ और उस वाले में रख दूंगा। भाई तभी मैं सोचूं कि इतने कम अंडे कैसे मिल सकते हैं हमें, क्योंकि देखो उस वाले चिकन कूप में तो काफ़ी सारे अंडे थे लेकिन इसमें काफ़ी कम अंडे थे। तब देखो मुझे क्या लग रहा है कि मैंने ना पिछली बार शायद से यार मैंने ना एक रोस्टर तो इसमें रखा था, इतना तो मुझे पता है यार कि मैंने पिछली बार ना एक रोस्टर इसमें रखा था। भाई कहीं इस मतलब यहाँ से भाग के उस वाले में तो नहीं चला गया? आपने कमेंट में मुझे बताना अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी थी तो मैंने इसमें एक रोस्टर रखा था या नहीं, या फिर मैंने तीनों के तीनों रोस्टर इसी में रखे थे। अब देखो यहाँ पे भाई इनका खाना भी थोड़ा सा, मतलब एक ही बोरी पड़ी है, और बाकी अपना सारा का सारा जो खाना है खत्म खत्म यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे जितना भी खाना था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे दो तीन बोरी पड़ी थी जो कि मैंने इनको दे दिया है। लेकिन गाइस देखो अभी ना यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब आपको ना जितनी भी यहाँ पे बाल्टी दिख रही है और यहाँ पे कैंपर दिख रहे हैं दो, ये ना सारे के सारे खाली हो रखे हैं, मतलब ना बेकार है। अब कैंपर तो खाली रखा है लेकिन बाल्टियों का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम ये जो लकड़ की बाल्टी है ना भाई इनको बेच के इनकी जगह वो जो स्टील वाली बकेट होते हैं ना वो लेके आएंगे, क्योंकि देखो अब भाई अमीर बन रहे हैं भाई, थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ता है, तो ये वाली जो लकड़ की बाल्टी है ना वो थोड़ी बेकार लगती है। तो अभी हम फटाफट चलते हैं जनरल स्टोर के लिए और वहां से जाके अपने जो स्टील वाली बकेट है ना वो ले लेंगे, और साथ ही साथ कुछ अनाज की बोरियां भी ले लेंगे। और हाँ गाइस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना यार जाके फटाफट कर दो, क्योंकि अभी हम 100K की फैमिली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और हाँ जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टा पे भी फॉलो नहीं करा यार जाके फटाफट फॉलो कर लो, और इंस्टा आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो अभी ने जितना भी सामान था मैं सारा का सारा लेके आ चुका हूँ जनरल स्टोर के पास में, और फटाफट अंदर चलते हैं। वैसे ये लक्कड़ की बाल्टियाँ बिकती है या फिर नहीं एवं मैं चेक कर लूँ। हाँ बिकती है भाई, बिकती है यहाँ पे, और $4 की एक बिक रही है, और $40 तो हम भाई सिर्फ लक्कड़ की बाल्टी से मिल गया, और जो $8 है ना मतलब $4 और है वो हमें उन कैंपर से मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे अनाज की बोरा लेनी है हमें, और कितनी लूँ मैं, 10 ले लूँ, 10 बहुत है। वैसे ना अपने पास मुर्गियाँ भी काफ़ी कम है, कम से कम 8 ही 10 मुर्गियाँ हैं, तो यहाँ पे 10 बहुत ही रहेगी। तो यहाँ पे और कुछ लेना है कि नहीं, लेकिन मिनट पहले मैंने इसको चेकआउट करूँ, क्योंकि देखो अभी ना मैं जिस कार में आया भाई उसमें ना स्पेस काफ़ी कम है। अब यहाँ पर ना मैंने गलती कर दी, मुझे ना अपने साथ में छोटा नहीं बड़ा ट्रेलर अपने साथ लेके आ जाना चाहिए था, ताकि मैं एक ही बार में काफ़ी सारा सामान ले जाऊँ, लेकिन यहाँ पर ना मेरे दिमाग में आया नहीं। अब फिलहाल कोई बात नहीं, अब पता नहीं ये बोरियाँ भी इसमें आ पाएगी यार नहीं, तो एक बार मैं रख के देख लेता हूँ। और यहाँ अच्छा मैंने और भाई सामान खरीदा नहीं, भाई सारा का सारा सामान मुझे यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता। तो पहले मैं जितनी भी बोरियां ये डाल के देखता हूँ कि इस वाली कार में आ पाती है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे जैसे तैसे करके यहाँ पे जितनी भी बोरियाँ थी आखिरकार तुम्हारे भाई ने अपनी इस कार में लोड कर लिया है। अब देखो 10 बोरियाँ खरीदी थी और 10 की 10 बोरियाँ मैंने इस कार में रख लिया है। अब जल्दी से चलते हैं अपने रेंच के पास में, क्योंकि अभी अपनी मुर्गियों को भी खाना देना है। अब वैसे मैंने अपनी काउस को भी नहीं देखा भाई, अपने काउस पर भी ध्यान देना है। अब देखो ना काफ़ी दिनों से मुझे बंदे कह रहे थे कि जिस दिन से ना मैंने उन काउस को मारा था, वैसे ना मुझे भी तरस आ रहा था कि मैंने उनको ना बेकार में मार दिया। तो भाई आप काफ़ी बंदे मुझे कह रहे थे कि तुमने ना मार के गलती की, तुम क्या करो अब जितने भी तुमने काव मारी है ना भाई सबको वापस लेके आओ, मतलब उनको खरीद के लाओ। अब देखो जिनको मारते हैं वो तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन उनके बदले हम बहुत ही सारी काउस को खरीद सकते हैं। वैसे कितनी काव मारी थी मैंने, अपने पास 9 काव थी ना, अभी 4 काव पड़ी है, और लेकिन उसमें से क्या हुआ था 3 ना 2 काव तो भाई अपने आप ही पता नहीं कहाँ भाग के मर गई थी, और 2 काव को मैंने भाई खुद ही मार देता।
तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बड़ी गलती की। अब फिलहाल देखो कोई बात नहीं, अब एक काम करते, जितना भी सामान है पहले मैं इनको सेट करता हूँ और उसके बाद काउस को भी लेके आएंगे। अब इसमें मुझे लग रहा है कि सारा का सारा सामान भर चुका है, अब फिलहाल इसमें मैं डाल देता हूँ, इसमें एक बोरी पड़ी है। अब देखो मुर्गियाँ भी कम है तो इसलिए खाना भी कम खा रही है, तो कोई बात नहीं, अभी जितना भी खाना पड़ा ना मैं सारा का सारा यहाँ पर डालता हूँ। उसके बाद ना मैंने एक और प्लान सोचा है। अब देखो यहाँ पर ना मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में हम कम से कम 100-150 अनाज की बोरियाँ लेके आ जाएंगे। उसके लिए लेकिन हमें ना एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा ताकि हम जितना भी अनाज का बोरिया लेके आए सारी की सारी उस स्टोर रूम में स्टोर करके रख सके। तो देखो यहाँ पे ना दो जगह मैंने डिसाइड तो किया, लेकिन उसमें से मुझे एक चुननी पड़ेगी और उसके लिए मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए। तो पहले ना इनको मैं सामान को सेट करूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन कौन सी जगह जहाँ पे मैंने सोचा है कि अपना जो स्टोर रूम है वो बना सकते हैं। आप स्टोर रूम में काफ़ी बड़ा बनाऊंगा। अब देखो वैसे इसमें बना तो नहीं सकते, लेकिन खुद ही भाई हमें लॉक से बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि और कोई ऑप्शन आता नहीं है। तो यहाँ पे एक बोरी रह चुकी है, बस ये लास्ट बोरी रह गया है, इसको भी मैं यहाँ पे जल्दी से रखता हूँ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन सी जगह ना मैंने बताई है। देखो एक तो जगह ये अपने चिकन कूप्स के सामने, देखो ये भी ना थोड़ी सी जगह बड़ी है, मतलब काफी इतनी बड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक है। और एक जगह है ये अपने बार हाउस के गेट के सामने, लेकिन देखो ये वाली जो जगह है ना इस मतलब थोड़ी सी ना ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पे ना जो जमीन है इसकी ऊबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से अगर हम अपना स्टोर रूम बनाते हैं तो शायद से बेकार लगे। लेकिन यहाँ वाली जगह वो थोड़ी प्लेन है, वैसे इतनी जगह प्लेन नहीं लेकिन इस वाली जगह से काफ़ी सी है। तो ना आप कमेंट में बताना मुझे कि मुझे भाई कौन सी साइड में अपना स्टोर रूम बनाना चाहिए, बान हाउस के सामने या फिर चिकन कूप के साइड में। तो अभी ना एक काम करता हूँ, अपने काउस को मैं दूध निकालना भी भूल गया,